जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नए छोटे से व्लॉग के साथ। दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क रशिया, समग्रसी वस्त्रने अमीरा रशिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया के शहर कैपिटल अस्तालिसा मास्कोवा से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और दोस्तों कमेंट करनी है, लाइक करने, कमेंट में बताना है आपने अपनी राय। ठीक है, आपको मैं आज दिखा रहा हूँ कि रशिया गर्मियों में कैसा है। सर्दियों में तो आपको पता है कि मशहूर है बर्फ की वजह से। ठीक है, ये आज आप देख रहे हैं वो फूल पड़े हैं। कभी कासम काबू शुगर खानम का बेटा इस जगह पे आके फूल चढ़ा के गया था, आज फिर कोई वज़ीर आज़म किसी कंट्री का आया तो उसने फूल चढ़ाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों रशिया गर्मियों में ऐसा होता है। ठीक है जी, ये देखें, और मैं आपको बताऊंगा आज कि किस किस को वीज़े मिल रहे हैं, किस को वीज़े नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों के पाकिस्तानी के लिए नहीं खाली, कुछ और कंट्री के लिए भी इन्होंने वीज़े बंद किए हैं बिजनेस। ठीक है, जो जेन्युइन कंपनी है, जो बिजनेस कर रही है, जो गवर्नमेंट के साथ लेन देन में है और अपना टैक्स वगैरह पे कर रही है, तो उसको ही वीज़ा मिल रहा है, वो भी मास्को और पीटर के लिए बंद किए इन्होंने। ठीक है ना, तो आपको पता है जो पहले कंपनी वीज़े देती थी वो तो बस ऐसी क्या कहते हैं पंजाबी में फंतरू कंपनियाँ थी, तो वो सब इन्होंने बंद कर दी हैं। ठीक है, अभी सिर्फ टूरिस्ट वीज़े मिल रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा किसको मिल रहा है, जो क्या नाम है किसी और कंट्री का जिसने विजिट किए हुए हैं, जिसका पाकिस्तान में कोई बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, बाकी जेन्युइन ही टूरिस्ट है, जेन्युइन ही वो बिजनेसमैन है। ठीक है ना, उसको फ्रेश पासपोर्ट वाले को वीज़ा नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आके जो ना लोग डिंकियाँ लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जिसको पहले भी वीज़ा किसी कंट्री के लगे हुए हैं जिसके, ठीक है, वेल सेट है, सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान में पता है कि वापस आएगा, उसको सिर्फ वीज़े मिल रहे हैं। उसको वो भी मिलने का क्या तरीका है कि आपने एक कंपनी के थ्रू, ठीक है, आपने जो है ना क्या नाम है लेना है होटल, खुद तो आप होटल ले नहीं सकते क्योंकि होटल इंटरनेशनल अपना पाबंदियों की वजह से आप बुक नहीं कर सकते, पेड नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल ना, पाकिस्तान से क्या नाम है रशिया की किसी दुनिया की किसी कंट्री में रशिया के आप होटल नहीं खरीद सकते। ठीक है जी, तो वो ये है कि आप कंपनी के थ्रू आपने होटल लेने और वो फिर आपको कंपनी ही वाउचर देगी, वो रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान रशियन एम्बेसी में भी और यहाँ एयरपोर्ट पे भी वो मेल करते हैं, एम्बेसी में मेल करते हैं, ये हमारा जेन्युइन टूर आ रहा है। ठीक है जी, टूरिस्ट आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ उनके थ्रू टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन टूरिस्ट है बंदा जिसके वीज़े वूज़े लगे हैं, जिसने वैसे रशिया घूमने आना है, इन्जॉय करने आना है, वो मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैं पहले बता रहा हूँ जिसको क्या नाम है जिसके वीज़े लगे हुए हैं, दुनिया घूम रही है, उसने और कंट्री को विजिट किए हुए हैं, ठीक है, जेन्युइन बंदा है, वो वापस जाएगा सिर्फ उसी के लिए। ठीक है ना, अगर कोई बंदा आके वापस ना गया तो मेरे भाई फिर वो कंपनी भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और जिसने लगा के दिया होगा उसके लिए भी मसला बनेगा। तो ये देखिए गर्मी में रशिया ऐसा होता है, आज उन्होंने वो बंद किया हुआ रेड्स के, क्योंकि आज जो ना क्या नाम है कोई ख़ास ही कोई जो ना बंदा इधर आया हुआ है, मेरे ख्याल में किसी दूसरी कंट्री का ना विजिट करने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है इसलिए। ठीक है जी, गर्मी में रशिया ऐसा होता है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, इनके लिए तो बहुत गर्मी है ना, इनके लिए तो बहुत गर्मी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इन लोगों के लिए जो ना बहुत गर्मी है आज बहुत, अगर इनको कभी पाकिस्तान इंडिया में ले जाए ना तो इनको पता चले गर्मी क्या होती है। ठीक है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है, यहाँ तो पसीना नहीं आता, हवा चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ओहो बहुत गर्मी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो है ना ये देख गर्मियों में ये हाल होता है। ठीक है, अगर आपने रशिया इंजॉय करना है तो सिर्फ गर्मी में आए, मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है जी, ये होटल में जब भी यहाँ आता हूँ याद आता कसम काबू, या अल्लाह उसको दोबारा ले जाए हमारे मुल्क के ऊपर, दोबारा उसको हुक्मरान बना दे। ठीक है जी, ये है गर्मी है ये है गर्मी है रशिया की। तो यार इस टाइम सिर्फ बंदा वो आ सकता रशिया में जो जेन्युइन दुनिया जिसको घूमने का शौक है, जो जेन्युइन जो है ना विजिटर है वो, ठीक है, और बिजनेस मैन भी जेन्युइन वो आ रहा है, हाँ, जिसको गेस्ट कोई बंदा को गेस्ट घर के इन्विटेशन जो है ना घर के इन्विटेशन मिल जाए वो आ रहा है। ठीक है, बाकी बिजनेस जो पहले जैसे सब होते थे वो सब इन्होंने बंद किए हैं। ठीक है जी,
तो अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, तो फिर आप रशिया आ सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, यार वर्क वीज़े बंद हैं, स्टूडेंट भी इन्होंने बंद किए हैं, अभी वो नहीं हो रहे। ठीक है ना, मैं आपके मैसेज देखता हूँ यार, मैं फिर सबको जवाब नहीं दे सकता, कोशिश करता हूँ टाइम का सबको जवाब दूँ, लेकिन मसला वही है मेरे भाई कि मुझे पता आप वीज़ों का पूछ रहे, वीज़े बंद हैं अभी, क्या करूँ मैं। ठीक है, ये है गर्मी इनकी। ठीक है जी, ये है गर्मी इनकी। तो कोशिश करें, अगर आप बर्फ़ देखने के शौकीन हैं, बर्फ़ें देखनी है तो फिर सर्दियों में आएं। ठीक है, अगर कुछ और देखने के शौकीन है तो फिर आएं रशिया गर्मियों में। ठीक है जी, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें यार, डोगर के पीके रशिया चैनल को, वीडियो को लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, वीज़े जब खुलेंगे इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कहां से कैसे। ठीक है ना, अभी जो जेन्युइन बिजनेसमैन है या जो जेन्युइन बंदा घूमने वाला है वो मुझे कमेंट करे या मैसेज करे इंस्टाग्राम पे, मैं बताऊंगा आपको कहां से इनविटेशन कैसे क्या करना है। ठीक है जी, जी है, तो गर्मी वाकई आज बहुत है यार। लो जी, अभी यहाँ मैंने एक पाकिस्तानी देखे हैं, अभी इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाय, हाय, हेलो। अच्छा सर, आप पाकिस्तान से लग रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी, जनाब पाकिस्तान। अच्छा सर, आप पाकिस्तान से आए हैं, किस सिटी से? मैं सियालकोट से। सियालकोट से। सर, आप रशिया में आए हैं, आपको कोई रशिया का वीजे का प्रॉब्लम या कोई इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप बिजनेस के सिलसिले में? जी मैं बिजनेस के सिलसिले में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको रशिया? बहुत अच्छा लगा, मैं दुनिया के 30-32 कंट्रीज में गया, बट ये टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रशिया रियली वेरी नाइस, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। हाँ, वैसे भी बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, रशिया में अगर कोई इंसान आके पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी आना चाहे तो किस मौसम में आए वो, क्या मशवरा? तो गर्मी में आना चाहिए, क्योंकि गर्मी। अच्छा, रशिया में पहले आए हैं सर्दी में? जी मैं एक दफा आया हूँ सर्दी में। अच्छा, सर्दियाँ ज्यादा अच्छी है या गर्मी? नहीं, मुझे तो वैसे देखिए, अगर आप ये पूछते हो तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, इसमें अपना मजा है, इसमें अपना मजा है। हम गर्म मुल्क वाले, हमें तो सर्दी में भी आ जाना है। दूसरी कंट्री में और रशिया में आपको क्या डिफरेंट लगा, क्या मुख्तलिफ लगा? अल्लाह, एक तो यह है कि मुझे लोग बहुत अच्छे लगे, लोग अच्छे, सब अपने अपने काम पे अपने अपने ध्यान में है, सिक्योरिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी आ गए, यहाँ खुद को महसूस ही नहीं करते का फार्मर? ना ना ना, कोई कोई झिझक नहीं, ये किसी से ये आल करते नहीं कहीं? ना ना बिल्कुल। अच्छा, एंड शी इज माय पार्टनर फ्रॉम कजाकिस्तान। हाय, वी हैव अ फ्रॉम कजाकिस्तान। यस, आई एम फ्रॉम कजाकिस्तान। ओके, शी आल्सो विजिट पाकिस्तान। हां, शी आल्सो विजिट पाकिस्तान। यस, आई हैव बीन इन सियालकोट। सियालकोट, ओह, सो यू लाइक पाकिस्तान? यस, आई लाइक इट। व्हाट यू मोस्टली लाइक इन पाकिस्तान? आई लाइक फूड्स, कल्चर, पीपल्स। यू रिमेंबर एनी फूड? Any food name? Rice. Rice? No, biryani. Barbecue. Ah, barbecue. I enjoy it with barbecue. Ah, so you would like to visit again in Pakistan? Yes, I like it. Ah, okay. What's your name? Lucia. तो जी लुसिया फ्रॉम कजाकिस्तान से है, सो ये सर की पार्टनर है और ये पाकिस्तान भी विजिट कर चुकी है। तो सर, अभी आप कोई मेरे फॉलोवर को कोई मशवरा देना चाहेंगे जो रशिया आना चाहता है बिजनेस के सिलसिले में? जी बिल्कुल जी, रशिया बहुत अच्छा कंट्री है, हम लोग पाकिस्तान में शायद हमें इतना अवेयरनेस नहीं है, मगर रशिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर बिजनेस। हमें सब लोगों को इधर रुझान करना चाहिए, हम लोग सिर्फ अमेरिका यूरोप इधर उधर जाते हैं, पाकिस्तान और रशिया के हो गए अभी डे बाई डे, और हमें चाहिए कि हम इसमें मैक्सिमम अपना शेयर डालें। और इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि यूरोपियन मार्केट आउट है, अमेरिकन आउट है, तो इधर अभी बहुत ज्यादा स्पेस है, तो हमें अभी हर बिजनेस के लिहाज से इसमें एंटर होना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रशिया पक्ष में बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में? मुझे नहीं लगता, मैंने जो पूछा है वो तो बड़ा इजी बता रहा, बड़ा इजी बता रहा, लैंग्वेज का है, इधर जरा इंग्लिश जरा कम लोगों को आती है, तो मैं समझता हूँ वो भी इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ, लैंग्वेज जब इंसान अरब में जाके अरब अरबी सीख लेते हैं तो वाई नॉट, इधर क्यों? पाकिस्तानी वैसे भी जो है ना बड़े टैलेंटेड है, वो कोई भी कंट्री में जाएं जुबान सीख लेते हैं। चलो जी, जज़ाकअल्लाह जी। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू।